प्रदेश के फिरोजाबाद के ग्लास गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ग्लास फैक्ट्री गोदाम बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से चलाया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। आपको बता दें, घटना फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के राजा राम की पुलिया की है, जहां ठाकुरिया नामक ग्लास गोदाम फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची जिले भर की आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि ग्लास गोदाम फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी। इतना ही नहीं, घनी आबादी में फैक्ट्री चल रही है, और तो और फैक्ट्री में किसी भी तरह के आग बुझाने के उपकरण नहीं मिले। कितनी दमकल गाड़ी मौके पर? अभी हमारी 3 गाड़ी जो है, बड़ी गाड़ी थी वो लगभग कंट्रोल कर ली है, बस अब इसका साल्वेज और कूलिंग करना है। तो लग रहा है बट अभी पूर्ण का कंट्रोल है। टूंडला और सुखाबाद की एहतियातन हमने गाड़ी मंगा ली है जो पहुंचने वाली है। क्या कारण रहे फैक्ट्री में? फैक्ट्री ही मानो इसको फैक्ट्री है कि इसमें पैकिंग प्लस उसका वो उसको अच्छे तरह से बना के पैक करके तब सप्लाई करते हैं यहाँ से रॉ मटेरियल लाकर, और इसमें ग्लास आपके बाउल्स वगैरह पैक करके रखे हुए हैं। सर, आग लगने का कारण पता चल का अभी प्रथम दृष्टया तो अभी क्लियर हो जाए।